हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद पीहू में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर की सब्जी। इस बढ़िया से रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रेवी का बेसिक मसाला बनाएंगे। एक पैन में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा तेल ले लिया है, उसमें डाल दिया है एक तेजपत्ता, काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा, लौंग, इलायची, शेंगदाने, एक बड़ी इलायची जो मसाले में होती है, साथ ही डाल देंगे कटा हुआ प्याज, दो कटी हुई हरी मिर्च, चाहे तो आप लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हो, लहसुन, अदरक, बड़ा सा कटा हुआ एक टमाटर, शाहजीरा, खसखस और नारियल के कटे हुए छोटे छोटे टुकड़े। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेना है। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये बेसिक ग्रेवी का मसाला है। हम मटर पनीर बना रहे हैं इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ 4 काजू के टुकड़े और बारीक कटा हुआ 1 टेबलस्पून पनीर। तो ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हो। इसे हमें सॉटे करना है और ठंडा होने के बाद इसकी हम एक फ़ाइन प्यूरी बना के रखेंगे। तो एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है तेल। तेल गर्म हो जाने पर हम इसमें डाल देंगे 1/2 टेबलस्पून जीरा, थोड़ा सा हींग। अब इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून बेसन। गैस का फ्लेम बिल्कुल लोएस्ट रखेंगे और इसमें डाल देंगे 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इसे हमें चला लेना है और जो भी ग्रेवी हमने बनाई थी इसमें हम डाल देंगे। और बस ग्रेवी डालने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे और इसे चलाते हुए पका लेंगे। तो ये हमारा बेसिक मसाला है फ्रेंड्स। इस मसाले को आप कोई भी सब्जी में यूज़ कर सकते हो। तो इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे बाकी मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और रेड चिली पाउडर। तो बस इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पका लेंगे। बेसिकली पनीर की सब्जी में क्रीम का इस्तेमाल होता है, तो मैंने यहाँ पर काजू और पनीर को ऑप्शन में यूज़ किया है। अब इसमें डाल दिया है मैंने मेथी, जो कि कस्तूरी मेथी है, हाथ से क्रश करते हुए इसमें डाल देंगे ताकि इसका अच्छा फ्लेवर आए, और इसे मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पका लेना है। तो इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला, जो कि मैंने 1/2 टेबलस्पून यूज़ किया है, और 1/2 टेबलस्पून नमक। नमक की क्वांटिटी हम स्वादानुसार ही यूज़ करेंगे। अब इसमें डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी ताकि हमारा मसाला नीचे चिपके ना। इसे चला लेंगे। इस मसाले को हम तब तक पकाएंगे जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो देख पा रहे हो फ्रेंड्स, ऑयल सेपरेट हो चुका है, यानी कि हमारा मसाला अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो जिस पैन में मैंने पहले मसाला रोस्ट किया था उसमें डाल दिया है बिल्कुल थोड़ा सा तेल और पनीर के टुकड़े। तो मैं इसे रोस्ट कर रही हूँ। चाहे तो आप पनीर को फ्राई भी कर सकते हो। ऐसे करने से इसका जो टेस्ट है और भी बढ़िया आएगा। तो ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप चाहे तो कर सकते हो, चाहे तो स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पर हमारा पनीर रोस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हमारी ग्रेवी भी तैयार है। इसमें डाल देंगे हरा मटर, जो कि मैंने 1 कटोरी यूज़ किया है। तो ये फ्रेश मटर है, इसे मैंने बॉयल नहीं किया है। तो मसाले के साथ मटर को पका लेंगे 3 मिनट तक, और 3 मिनट के बाद हम इसमें डाल देंगे जो कि हमने पनीर रोस्ट किया था वो इसमें डाल देंगे। मटर और पनीर को वापस हम 2 से 3 मिनट मसाले के साथ पका लेंगे। इस स्टेज पर हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे। तो बस 3 मिनट के बाद हम इसमें डाल देंगे ग्रेवी के लिए गर्म पानी। तो जब भी हम ग्रेवी वाली सब्जी बनाएंगे तो गर्म पानी का ही यूज़ करना है। तो बस अब इसे कवर कर लेंगे और 4-5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो 4 मिनट के बाद फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमारी सब्जी पक चुकी है। मटर और पनीर ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बहुत ही बढ़िया आई है और ठीक जैसे रेस्टोरेंट में होती है ना, बिल्कुल वैसी ही। तो इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे बिल्कुल थोड़ी सी शक्कर। तो ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप इसे स्किप कर सकते हो। इससे इसका जो खट्टा, तीखा और मीठा टेस्ट है वो मेंटेन रहेगा। साथ ही डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया और वापस इसे चला लेंगे। और इसे हमें फिर से पकाना है बिल्कुल लो फ्लेम पर 3 मिनट के लिए। इस स्टेज पर हम रेस्टोरेंट या फिर ढाबा पे क्रीम का इस्तेमाल होता है, तो मैंने यहाँ पर क्रीम का यूज़ नहीं किया है। मैंने क्रीम को स्किप कर दिया है क्योंकि मसाले में मैंने काजू और पनीर को जो यूज़ किया था वो ही बहुत बढ़िया टेस्ट देगा। तो विदाउट क्रीम हमने इस मटर पनीर को बनाया है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल इसका टेस्ट आया है। तो हमारी सब्जी यहाँ पर तैयार है। अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो अब देख पा रहे हो फ्रेंड, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए,
बिल्कुल बढ़िया है, और जैसे रेस्टोरेंट में होता है ना, सेम वैसा ही टेस्ट विदाउट क्रीम। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। आपको मेरी रेसिपी, मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर की सब्जी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। मिलती हूँ नए रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।